प्रदेश के पूर्व वन मंत्री स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल की राजवाड़ा चौक स्थित आदमकद प्रतिमा के बहुप्रतीक्षित लोकार्पण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटमा दौरा 13 फरवरी को प्रस्तावित हुआ है। सीएम के आगमन के तैयारियों के लिए गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने बेटमा का भी दौरा किया। प्रदेश भर में चल रही विकास यात्रा के अंतर्गत बेटमा में मुख्यमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बेटमा के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे बेटमा आएंगे। लगभग 2 घंटे तक मुख्यमंत्री बेटमा में मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अंतर्गत रहेंगे। शाम को ही सीएम उद्बोधन भाषण होगा। मुख्यमंत्री देपालपुर विधानसभा के भूमि पूजन लोकार्पण के लगभग 400 से अधिक शिलान्यास का लोकार्पण करेंगे। कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विधानसभा में चल रही विकास यात्रा के अंतर्गत पूर्व विधायक मनोज पटेल गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का स्वागत भाषण पूर्व विधायक मनोज पटेल देंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए पटेल ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बेटमा कार्यक्रम के लिए ADM अभय बेडेकर को प्रभारी बनाया गया है। इधर भाजपा ने गांव-गांव से कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को 2 बजे का बुलावा भेजा जा रहा है। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब विकास यात्रा के अंतर्गत दीपालपुर में आने का प्रोग्राम उनका है। शाम को 4 बजे सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी बेटमा में आएंगे। इस विकास यात्रा के माध्यम से उन्होंने 2003 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे प्रदेश बेटमा में दीपालपुर विधानसभा में इंदौर ज़िले में पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं उनकी बात करेंगे और जो आगे करना है कई योजनाएं और कई सौगात दे करके जाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 5 तारीख से आगामी 25 तारीख तक तो विकास यात्रा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास का रथ पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले हर शहर हर गांव तक पहुँचा है उसी विकास यात्रा को लेकर आगामी 13 तारीख को देपालपुर विधानसभा के हमारे बेटमा नगर परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए आने वाले हैं और उसी तैयारी को लेकर क्योंकि जितने विकास के कार्य हैं सभी कार्य उसमें देपालपुर विधानसभा के विकास के लिए मैं समझता हूँ जो बहुत लंबे समय से देपालपुर विधानसभा के हमारे मतदाताओं की हमारे नागरिक प्रतिनिधियों की मांगें थी उन सबको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक मनोज पटेल जी और हमारे जनपद के अध्यक्ष गुमान सिंह जी हमारे पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष बबली जी हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष बलराम सिंह जी आज इन सभी लोगों ने क्षेत्र का दौरा करा जहां माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा उत्साह क्षेत्र की जनता और लोगों में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आने वाले हैं तो जो उत्साह आज यहाँ पर अभी इस कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हमने देखा क्षेत्र के लोगों में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पलक पहुँचने से मिठागरों करने वाला है तो इसीलिए कि उनके स्वागत में जनता भी चाहती है कि किसी प्रकार की कमी नहीं रहे और हम भी चाह रहे हैं कि हर व्यवस्था व्यवस्थित रहे ताकि हम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू हों उनकी बात सभी लोगों तक पहुँचे इसका आज सभी अवलोकन करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।